स्टेप कैसे एग्जीक्यूट होते हैं Maybe और कोई किसी को मतलब थोड़ा समझ में आ गया होगा तो, तो आपको इंटरव्यू में भी बोलना है कि ऐसे बोल सकते हो कि फर्स्ट हम जावा कोड लिखते हैं और वो फाइल हम डॉट जावा के साथ सेव करते हैं ये फर्स्ट स्टेप हो गया फिर आप मतलब ये सीएमडी ओपन करते हो तो ठीक है कमन प्रॉम्प्ट पे हमें हमें रन करना है फिर आपको कंपाइल करना है कोड कोड ठीक है सीएमडी ओपन करना है फिर आपको कंपाइल करना है विथ जावा सी जावा कंपाइलर बोलते हैं फिर डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है फिर हमारी डॉट क्लास फाइल ये नाम से जनरेट होगी ये जो हमारा प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम डॉट क्लास ऐसे ये फाइल जेनरेट हो जाएगी फिर आप क्या करोगे जावा डॉट ये फाइल यहाँ पे आप डॉट डॉट क्लास ने लिखोगे राइट यहाँ पे आप डायरेक्टली इतना ही नाम लिखोगे फिर जे क्या करेगा इस क्लास फाइल को लेके रन करेगा आपके विंडोज मशीन पे जो भी आपका इंस्टॉल है विल और आपका जो भी मैक वो भी जो भी मै, आ, सरे, मैक मैक जो भी रहेगा लिनक्स वगैरह उस पर रन करेगा ठीक है ये हमने सेकंड में लगभग देखा था फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है exactly? तो मतलब सबसे बेसिक कंसेप्ट आपका क्लास है क्लास इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्लास मतलब क्या होता है कोई भी एंटिटी जो होती है रियल वर्ल्ड एंटिटी उसको हम एट्रीब्यूट फंक्शन करके डिफाइन करते हैं जैसे टेबल है टेबल को टेबल के एट्रीब्यूट हो गए टेबल क्या काम करता है उसके फंक्शंस हो गए तो ये सब जिसके एक एंटिटी करके हम डिफाइन करते हैं और जो उसका डेफिनेशन होता है उसको हम क्लास बोलते हैं ओके जैसे कार कार का ये क्लास हो गया ओके okay, टेबल का ये क्लास है ओके okay, जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन होती है फिर उसके बाद उसी टेबल का जब हम कोई एक स्पेसिफिक टेबल बनाएंगे जैसे ऑफिस टेबल बनाएंगे और उसकी हाइट वगैरह जब दे देते हैं उसको तब ये उसका एक ऑब्जेक्ट हो जाता है ओके okay, जैसे यहाँ पे कार है तो कार फैक्ट्री से एक एक कार करके निकलती है बाहर तो उसके एक ऑब्जेक्ट्स हो गए ओके okay, फैक्ट्री को पता है कि ये ये स्पेसिफिकेशन की कार हमें बनानी है जब वो बन जाती है बन के बाहर आ जाती है तो ये उसके स्पेसिफिक के साथ उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है तो ये मेन है कि क्लास इज अ ब्लू प्रिंट होता है एंटिटी का और हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास जिसके साथ हम उसको विथ वैल्यू उसको असाइन करते हैं ओके okay? तो uh, आप क्या करते हो सपोज हमने फर्स्ट जावा एक क्लास लिखा था राइट right? तो ये भी एक फर्स्ट जावा एक क्लास है ओके okay? तो क्लास के एट्रीब्यूट क्या है एक मैंने फ्लोट डिफाइन किया था ये इंटीजर डिफाइन किए हैं इतने सारे ओके ये सब आ, इस क्लास के एट्रीब्यूट है जितने भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना इंटीजर कैरेक्टर डबल ये सब ओके और सपोज ये एक मैंने मेथड लिखी थी फर्स्ट डॉट मेथड तो ये सब मेथड्स होती हैं ये इसके फंक्शंस टाइप काम करते हैं तो अभी आपको मेथड मैंने सिखाया नहीं है ये हम आगे देखने वाले हैं तो जस्ट याद रखो कि कुछ जो मेथड्स रहती हैं जैसे एक मेथड यहाँ पे मैंने लिखी थी उसका नाम भी मेथड है तो ये होता है ओके okay, अभी नेक्स्ट हमने ये चालू किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा में मतलब जैसे हमने इंटीजर वगैरह देखा था एसक्यूएल में वैसे दो टाइप के जावा में ये होते हैं वेरिएबल्स होते हैं एक एक प्रीमिटिव होते हैं कुछ नॉन प्रीमेटिव होते हैं प्रीमेटिव में हमारे वो सब आ गए इंटीजर शॉर्ट डबल जो भी हमने यहाँ पे देखे थे ये सब ओके okay. और नॉन प्रीमेटिव में क्या आते हैं जो जावा हमें इनहेरिटली in प्रोवाइड नहीं करती ये जावा हमें डायरेक्टली प्रोवाइड करती है ये स्ट्रिंग और एरे हमें हमें कुछ सेट बना के बनाना पड़ता है जैसे हमने देखा था कि स्ट्रिंग बनाने के लिए हमने जैसे हर एक इंटीजर का एक एरे ले लिया था बहुत सारे इंटीजर एक साथ दिखाने के लिए एरे लिया था और फिर अगर कैरेक्टर बहुत सारे कैरेक्टर हमें एक साथ दिखाने तो हमने स्ट्रिंग लिया था ओके okay. तो वैसे ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से बना के हम और एक डेटा टाइप्स बनाते हैं तो उनको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ओके okay. और फिर लास्ट में हमने आ, कोई स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स देखे थे रिप्लेस आ, और क्या था एक रिप्लेस के पहले एक आ, काउंट देखा था ना एक, एक देखा था एक देखा था ठीक है इतना हमने कवर किया था इसमें आपको कोई अभी तक डाउट होगा तो आप हो पूछ सकते हो फिर इसके आगे हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं Sorry, मैंने क्लास लिखना चालू किया था यहाँ से ठीक है hmm. जीवन आपने आ, किया क्या सेटअप कुछ प्रोग्राम टाइप आ, रन करने का ट्राई किया गया जीवन आप म्यूट पे हो शायद हेलो सर हाँ यहाँ नेटवर्क का इशू है सर मुझे आवाज कम ज्यादा कम ज्यादा हो रही है अच्छा अच्छा ठीक है अपने वो प्रोग्राम रन करने का ट्राई करो अगर नहीं हो रहा तो मैं एक बार और दिखा देता हूँ कैसे रन करना है ठीक है तो ये सर, मैंने आप एक बार दिखाइए पहले बाद हाँ. में हम ठीक है अभी सपोज मैं एकदम स्टार्ट से जाता हूँ ठीक है अगर आपका ये ब्लैंक है ठीक है अगर आपको खुद से लिखना है तो आपने आपको क्या करना है पहले एक क्लास बनाना पड़ता है किसके लिए भी तो हम लिखते हैं पब्लिक पब्लिक ये क्यों रहता है क्योंकि ये इस क्लास सबको विजिबल होना चाहिए इसलिए लिखते हैं यहाँ पे मैंने पी कैपिटल लिखूंगा तो वो गलत हो जाएगा इसका सिंटेक्स मॉल है पब्लिक क्लास और उसका क्लास नेम अभी हम लिखते हैं कि स्ट्रिंग ऑपरेशन टू ओके और इसको ऐसे क्लोज करके सिंटेक्स पर देख लेते हैं क्या इश्यू है सिंटेक्स एरर ऑन टोकन क्लास ठीक है इसको आगे देखेंगे आगे इसका क्या इशू है एक exactly ये हमें नाम कॉपी करना होता है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रिफैक्टर करके एक होता है रिफैक्टर री में रीनेम का ऑप्शन आता है रीनेम है करूँगा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पेस्ट कर दूँगा मैं यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे फिर ये वाला क्लास आ गया आपका ठीक है फिर आपको उसकी मेथड लिखनी होती है ठीक है ओके क्लास के यहाँ पे आपको ओपन कर ली ब्रैकेट नहीं डालना है इसके वजह से वो एरर आ रहा था तो फिर एक फर्स्ट मेथड होती है जो मैंने बोला था कि वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है तो उसका भी सिंटैक्स सेम ही रहता है पब्लिक ठीक वर्ड मेन इसमें एक स्ट्रिंग का एक इनपुट जाता है ये जो ए आर जी एस होता है आप कुछ भी डाल सकते हो वैसे नेक्स्ट जाके आप एक हम जब हमें ये कवर करेंगे ना पब्लिक क्या होता है स्टैटिक क्या होता है वर्ड क्या होता है तब हम ये देखेंगे कि ये सब यहाँ पे क्यों लिखा गया है अभी के लिए आप डायरेक्टली लिखा करो यहाँ पे ठीक है डॉट देखो अभी जब आप इसमें करोगे ना इक्लिप्स में कभी प्रोग्राम टाइप करोगे तब तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन आने चालू हो जाएंगे मैं अगर यस लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं अभी ये शॉर्टकट है एस वाई आउट प्रिंट टू स्टैंडर्ड आउटपुट ये ये आ गए मैं ये देख रहा था यस वाई आउट लिखते लिख के एंटर करोगे तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा ये शॉर्टकट है अगर आपको पूरा लिखना है तो सिस्टम करके लिखना है एस वाई एस और कंट्रोल स्पेस दबाना है ठीक है कंट्रोल दबा के फिर स्पेस एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन so, कंट्रोल on... ये दबा के रखना है और स्पेस दबाना है देखो मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ तो मुझे यहाँ पे सजेशन आते हैं फिर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा ठीक है फिर मैं डॉट दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक आ, आ, आ जाता है फिर हमें क्या चाहिए आउट चाहिए आउट क्या है प्रिंट करता है कुछ आउट फिर हमारा है प्रिंट के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जैसे आपने देखा कि प्रिंट बुलियन कैरेक्टर ये और सबका एक ही होता है तो ज़्यादा करके जो हम यूज करते हैं प्रिंट एल एन यूज करते हैं जो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करता है जो भी आपको रिजल्ट आएगा वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे आता जाएगा इसलिए ये यूज करते हैं तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूँ ये भी स्ट्रिंग है ठीक है तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ इसको रन करता हूँ तो ये आपका सब सबसे सब बेसिक वाला प्रोग्राम हो गया और यहाँ पे आकाश प्रिंट हो गया ओके फिर हमने देखा था कि हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं इंटीजर का सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स ये उसका नेम हो गया ओके okay? और मैंने मार्क्स को इक्वल टू हंड्रेड असाइन कर दिया अभी मुझे ये प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा यस yes, आउट और कंट्रोल स्पेस नहीं दिया उसने कैपिटल चलिए ठीक वाई यस आउट है ओके पूरा आ जाएगा यहाँ पे एस वाई एस आउट लिखता हूँ मैं और मुझे क्या क्या करना है मार्क्स डालना है ठीक है मैं भी सेव करता हूँ इसको रन करता हूँ देखो हंड्रेड यहाँ पे आ गया तो आप जो भी प्रोग्राम करते हो आपको देखना है कि आपका प्रोग्राम सही चल रहा है तो आपको क्या करना पड़ता है कि कंसोल में आउटपुट दिखाना पड़ता है जैसे अगर मैंने सपोज मार्क्स लिखा और इक्वल टू हंड्रेड प्लस हंड्रेड किया ओके तो ये आपका सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आपको क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या करते हो उसको ये करते हो सिस्टम डॉट आउट करते हो मतलब आप जब उसको प्रिंट करोगे तब तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली exactly वहाँ पे है क्या ओके ये ये आपको अभी देखो हंड्रेड और टू हंड्रेड आ गया यहाँ पे हंड्रेड प्रिंट हो गया यहाँ इस यहाँ पे टू हंड्रेड प्रिंट हो गया मतलब ये वन बाय वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है पहले ये होगा फिर ये फिर ये फिर ये कि के ऐसे एक एक करके जाता है हेलो सर हाँ यस uh, कोई भी प्रोग्राम रन करने से पहले उसको सेव करना पड़ता है क्या हाँ वो सेव करना पड़ेगा ना आपको ज्यादा yeah. अभी अभी देखो अगर मैंने यहाँ पे थ्री दे दिया ये डिपेंड होता है हर एक आईडी पे कि वो कैसे बिहेव करता है अभी देखो मैंने विदाउट सेव किया यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है मेरा क्योंकि तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कुछ थ्री कर दिया मैंने यहाँ पे मैंने सेव नहीं दबाया फिर मैंने डायरेक्टली रन एज जावा एप्लीकेशन किया इसने सेव कर दिया मेरा प्रोग्राम और फिर एग्जीक्यूट किया बट ये ओल्ड इक्लिप्स में क्या होता था ना ये सेव नहीं होता था ओके okay? और कहीं कहीं पर ऐसे से मतलब यहाँ पे सेटिंग भी होगी मुझे मतलब मैंने इतना देखा नहीं इसमें सेटिंग होती है कि आप विदाउट सेव रन करो विद सेव रन करो ओके okay? तो ये आपको देखना है कि आपका प्रोग्राम अगर आपको लेटेस्ट वाला रन करना है तो आपका प्रोग्राम सेव होना चाहिए एक तो इक्लिप्स इसको एटो सेव करेगा अगर नहीं कर रहे है तो आपको खुद से कंट्रोल एस करके इसको सेव करना पड़ेगा ठीक है ओके। तो ये ऐसे आपका प्रोग्राम लिखना आप स्टार्ट हो जाएगा ओके okay? अभी हम जो देख रहे थे एक मैंने वेरिएबल लिया अभी स्ट्रिंग हम जो देख रहे थे कि इसका स्ट्रिंग ये आ गया तो स्ट्रिंग मैंने डिफाइन किया सपोज स्कूल का नाम मुझे डालना है ओके स्कूल इक्वल टू फिर मैं यहाँ पे कुछ डालूंगा ऐसे डाला मैंने और इसको सेमिकोलन सेमिकोलन भी आपको भूलना नहीं है हर एक स्टेटमेंट के आ आखिरी में आपको सेमी डालना है आप यहाँ पे सेमी नहीं डालोगे क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं है ये सिंटेक्स है यस ना आप कुछ बोल रहे थे क्या बट अभी मुझे क्या करना है कि आ, पब्लिक स्कूल में मुझे पी कैपिटल चाहिए था तो जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि रिप्लेस फंक्शन एक होता है तो मैं यहाँ पे स्कूल लिख दूंगा स्कूल इक्वल टू जो मेरा ऊपर वाला वेरिएबल था स्कूल का डॉट रिप्लेस फर्स्ट करके एक है फिर यहाँ पे मैं कैरेक्टर डालूंगा पी जो सबसे पहले वाला उसको जो पी मिलेगा उसको रिप्लेस करेगा विथ कैपिटल पी ओके और मैं यहाँ पे इस आउट लिखता हूँ और कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ ये आ जाएगा और मैं school यहाँ पे प्रिंट करता हूँ okay. मैं इसको सेव करके यहाँ पे देखो कुछ इशू आ रहा है करना पड़ेगा। अब ये हो गया। तो ये जो मैं ये सही से कर रहा हूँ ना यहाँ पे एरर आता है मुझे पता चल जाता है एग्जैक्टली exactly क्या है ये भी आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा अगर आप कुछ प्रोग्राम लिखते हो और अगर आप कुछ को आपको किस कोई एरर आता है ना तो एरर पे जाके मुझे दिखा देना कि आ, सर मुझे ये एरर आ रहा है इसका मीनिंग क्या होता है और आप आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये यह डाल दिया ओके और यहाँ पे रिजल्ट देख लेना मेरा पी यहाँ पे कैपिटल हो गया है अगर आप ये देखते हो ये अगर इस पे एरर आ गया तो आप, आपको क्या करना है इसको कॉपी करना है मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जो आपको एरर आ, आते हैं ना वो पहले से किसी को आ चुके होते हैं ठीक है तो आ, लोगों ने डाल के रखा होता है कि क्या इशू है क्या क्या प्रॉब्लम है करके तो आप यहाँ पे सर्च करके आप एक दो लिंक्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि ये एरर क्यों आ रहा है ओके okay, और किसी को आ रहा है ये ठीक है इसको हम बाद में देखेंगे सर्च कैसे करते हैं ठीक है ये ये वाला आप हम हमने दो प्रोग्राम देख लिए थे जो एक काउंट का था और ये था ओके उसके बाद और जैसे इंडेक्स ऑफ और कैर ऐड करके दो फंक्शन होते हैं हमने एक लेंथ देखा था मैं लेंथ का भी यहाँ पे डाले देता हूँ Dot length. Okay, ये लेंथ प्रिंट करेगा तो उसके आगे हम कुछ सेंटेक्स लिख सकते हैं जैसे मुझे लेंथ है ना लेंथ दिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे दिखूंगा ये अभी जस्ट याद रखो कि अगर आपको कुछ आगे लिखना है तो ऐसे लिख के यहाँ पे प्लस साइन देना पड़ता है आपको तो ये क्यों देना पड़ता है ये भी हम आगे चल के देखेंगे हर हर एक जो भी आप यहाँ पे लिखते हो ना उसका हर एक का एक मीनिंग होता है और यहाँ पे क्या नेम जैसे जैसे आपको चीजें पता चलती रहेगी वैसे वैसे हम एक एक का मीनिंग देखेंगे ओके okay, आगे चल के आप पूछ भी सकते हो कि सर ये पब्लिक ही क्यों है यहाँ पे हमने सिस्टम का मीनिंग क्या है आउट का क्या है प्रिंट एड का क्या है तो हर एक चीज आप लिख रहे हो ना उसका हर एक का मीनिंग आपको पता होना चाहिए तो अभी जाके आपको मतलब समझेगा कि ये क्यों हम कर रहे हैं ओके okay, बट एक साथ तो नहीं समझ में आएगा राइट तो अभी के लिए ये वाला चीज आपको इग्नोर करना है और इसमें से आप कुछ भी पूछ सकते हो और अभी देखो मैंने मैं बोल रहा था ना फंक्शन फंक्शंस क्या होते हैं तो ये भी एक फंक्शन होता है प्रिंट वाला जिसमें हमने ये भेजा है उसको तो ये क्या करता है प्रिंट फंक्शन हमें यहाँ पे दिखाता है ये जावा का इनबिल्ट कुछ चीज़ें होती है ओके okay. तो थर्ड तो हम देखते हैं कि लेंथ हो गया इंडेक्स ऑफ कैरेट कैरेट भी एक फंक्शन बहुत मस्त हेलो सर सर ये लाइन नंबर नाइन में जो मार्क्स तीन सौ प्लस तीन सौ लिखे आप ब्रैक छह सौ भी लिख सकते हैं ना हाँ लिख सकते हैं ना ये ये मैंने मत जस्ट आपको बता ये बताने के लिए लिखा है आप एक बार वो ये नोट करना ये मैंने जस्ट इसके लिए लिखा था कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्क में क्या है ओके जब एग्जीक्यूट होता है तब तब इसलिए आप ये मार्क को कुछ करोगे तो आप उसको प्रिंट करके देखना जैसे जैसे अभी ये तो आपको पता चल रहा है जैसे अगर मैं इसको डिवाइड बाय ट्वेल्व बोलता हूँ ओके आपको ऐसे कुछ वैल्यू चाहिए जैसे तीन सौ मार्क है और ट्वेल्व मतलब तीन सौ कुछ चीज़ है आपको बारह बंदों में डि, डिवाइड करना है उसको ओके तो ये अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपको हर एक को ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव मिलेगा तो इसका इसमें क्या है इस मार्क्स में अभी क्या वैल्यू आएगी अरे देखो ये एक कैलकुलेशन है राइट थ्री हंड्रेड डिवाइड बाय ट तो इसका रिजल्ट आएगा ना कुछ जैसे मैंने प्लस किया था जैसे हंड्रेड प्लस हंड्रेड करूंगा तो इसका रिजल्ट uh, किस में जाएगा मार्क्स में जाएगा कि नहीं जाएगा ये जो आगे वाली चीज होती है ना इसका आंसर इस, इस चीज में सेव होता है जैसे हमने लिखा था कि मार्क इक्वल टू हंड्रेड ये ये तो पता चल गया ना मार्क इक्वल टू हंड्रेड कर दिया मार्क्स में हंड्रेड चला गया इस वेरिएबल में और यहाँ पे हमने उसको प्रिंट किया तो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया जैसे मैं अगर इसको कमेंट कर देता हूँ ये कमेंट हो गया नीचे वाला कोड ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा मैंने रन किया तो मेरी क्या क्या चीजें प्रिंट हुई ये वाला आकाश प्रिंट हो गया और यहाँ पे मुझे मार्क्स प्रिंट हुए तो मार्क्स कौन सा वाला मार्क प्रिंट हुआ ये वाला और इसमें क्या था हंड्रेड था तो यहाँ पे हंड्रेड आ गया राइट तो फिर मैंने क्या किया उस मार्क को यहाँ पे थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेल्व ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो उसको असाइन कर दी यहाँ पे ओके अभी देखो मैंने जस्ट उतना ही प्रिंट रन किया यहाँ तक क्या हो गया आकाश प्रिंट हुआ और यहाँ पे जो मार्क्स था ये ऊपर वाला हंड्रेड ये यह यहाँ पे प्रिंट होता है फिर इसके बाद इसको हमने मॉडिफाई किया बट नीचे कुछ प्रिंट वाला स्टेटमेंट लिखा ही नहीं ये अभी कमेंटेड है अभी मैं इसको अनकमेंट करता हूँ अभी मैं इसको रन करूँगा तो अभी इसका वैल्यू ट्वेंटी फाइव आ जाएगा थ्री हंड्रेड बाय ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव आता है अगर मैं थ्री हंड्रेड बाय टेन करता हूँ ठीक है अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ थर्टी आ जाएगा मतलब यहाँ पे जो मार्क्स कैलकुलेट हुए हैं थ्री हंड्रेड डिवाइड बाय टेन करके वो इसमें सेव हो जाते हैं फिर यहाँ पे हम उसको प्रिंट करते हैं सेकेंड लाइन में ठीक है वैसे ही फिर क्या करेगा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा ये इतना मैं अगर रन करूँगा तो कुछ प्रिंट नहीं होगा बट मैं इसको रन करूंगा यहाँ तक तो इसको सेव करके तो फिर ये लेंथ प्रिंट होगा मैं भी इसको रन करता हूँ ठीक है लेंथ इक्वल टू एटीन मतलब क्या हुआ पब्लिक स्कूल में कितने कैरेक्टर है अगर आप काउंट करोगे तो ये पब्लिक के छः स्कूल के छ और पुणे के नौ कितने हो गए दस सोलह हो गए फिर ये वाला एक स्पेस और ये वाला एक स्पेस कितने कितने इसकी लेंथ हो गई टोटल एटीन एटीन कैरेक्टर हो गए ना इसमें तो ये यहाँ पे इसने यहाँ पे 18 कैरेक्टर प्रिंट किए क्योंकि ये स्ट्रिंग का एक प्रीडिफाइन फंक्शन है आपको वो जावा के साथ मिलता है स्ट्रिंग के साथ ओके okay. फिर उसके बाद हेलो सर और एक... yes? sir, वो हमें करने तब वो प्लस और माइनस क्यों लिखना है हाँ ये क्या करता है पता है क्या ये कॉनकेट का एक ऑपरेशन होता है मैं आपको और एक बताता हूँ ठीक है यहाँ तक आ गए आप यहाँ पे रिप्लेस यहाँ पे देखते हैं ठीक है आउट करता हूँ मैं अभी क्या होता है ना आप मैं कुछ लिखता हूँ जैसे मैंने आकाश लिख दिया और मुझे उसके साथ मेरा सरनेम भी प्रिंट करना है ठीक है तो तो मुझे यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा राइट ऐसे लिखना पड़ेगा बट इसका और एक क्या जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है String, इसमें है नेम इक्वल टू आकाश है और मेरे पास और एक वेरिएबल है नेम इसमें मेरे पास राठौड़ है ओके okay, अभी मेरे पास दो अलग अलग चीजें हो गई राइट right? अभी मुझे इनको एक साथ दिखाना है तो इनको एक साथ जोड़ने के लिए मेरे पास ये प्लस वाला ऑपरेटर होता है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा नेम, सॉरी, नेम प्लस सर नेम करूंगा जैसे यहाँ पे हमारी आ, इसकी एडिशन होती थी नंबर्स की वैसे ये ये प्लस साइन क्या करता है स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ देता है अभी देखो अगर मैं इसको रन करूंगा ना तो मेरा क्या होगा यह आकाश शॉर्ट होट एक, एक साथ आ गया ठीक है इसने क्या कर दिया इन दोनों को जोड़ दिया आपस में ये कॉन्केट का साइन होता है जैसे मुझे लेंथ के आगे मैंने क्या किया यहाँ पे स्पेस दिया यहाँ तक ये यह वाला लिख दिया यहाँ तक ओके फिर पेस प्लस दे के मैंने क्या किया स्कूल डॉट लेंथ दिया तो ये स्कूल डॉट लेंथ जो है मुझे 18 रिटर्न करेगा तो ये 18 उसके साथ कंबाइन uh, हो गया वैसे ही मेरे पास दो अलग अलग थे नेम और सर नेम मुझे एक साथ लिखने थे अभी मुझे क्या चाहिए यहाँ पे इसमें स्पेस चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा और एक यहाँ पे प्लस डाल दूंगा और मुझे स्पेस चाहिए ना तो मैं इसे स्पेस डाल दूंगा यहाँ पे ये वाले स्पेस काउंट नहीं होते हैं ये ये वाले नहीं काउंट होते हैं ये वाला काउंट होगा डबल कोट्स में मैंने जो दिया है ओके अभी मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखो ये स्पेस वाला आ गया तो ये जो प्लस वाला साइन है ये दो काम करता है इसको आगे एक टर्म भी है मैं आपको बाद में बताऊंगा जैसे प्लस में प्लस जो उपर, इसको ऑपरेटर बोलते हैं ऑपरेटर है ठीक है ये अगर आप उस उसको आपने अगर नंबर दे दिए वन प्लस वन ऐसे कुछ दिया तो वो क्या करेगा आपको टू रिजल्ट देगा बट आपने उसको Uh, कुछ स्ट्रिंग दिया सपोज ए बी सी दिया और आपने प्लस करके उसको सेट दिया तो क्या करेगा आपको आंसर में ए बी सी एक्स वाई सेट ये दे देगा ये ये प्लस प्लस ऑपरेटर का ये काम है उसको जो वैल्यू देगा उसको वो एडिशन करेगा अभी स्ट्रिंग की एडिशन तो ऐसे नहीं करेगा ए AX को ऐड नहीं कर सकते ना ये नंबर थोड़ी इनको ऐड करने के लिए इनको ऐड नहीं करेगा इनको क्या करेगा ऐसे एक एक के बाद एक ऐड कर देगा अभी समझा ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग ऑपरेटर यूज करते हैं जैसे यहाँ पे ये यूज हुआ है कहीं पे, पे लोग डैश यूज करते हैं फिर क्या हो जाएगा लेंथ के बाद ये प्रिंट हो जाता है बट जाओ मैं आपको प्लस लिखना है आप आप कितने भी प्लस लिख सकते हो यहाँ पे मैं और एक प्लस लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे कुछ दे दूंगा टेस्ट। प्लस लिख दूंगा ये आप घर पे ट्राई एरर करते रहो इसमें आप आपको खुद से देखना है कि ये कैसे चलता है इसमें और मैं क्या कर सकता हूँ देखो ये आ गया है यहाँ पे जीवन अभी समझेगा प्लस का कि और कुछ मतलब इसमें और बताना है सिंपल करके नहीं नहीं सर अंडरस्टैंड ठीक है तो ये ये अलग अलग चीजें हैं आ, और आ इसमें क्या है ये तो, ये तो तो आप, ऑपरेशन हो गया हम कुछ भी अरिथमेटिक कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं प्लस माइनस डिवाइड ऐसे डायरेक्टली नंबर्स पे बट ये सेम डिवाइड ऑपरेशन आप स्ट्रिंग पे नहीं कर सकते इस पे क्योंकि ये मतलब कुछ मीनिंग ही नहीं है राइट डिवाइड हम ज्यादा करके किस पे करते हैं इस पे करते हैं एक प्लस का तो पता चल गया प्लस में उसने एक एक के बाद एक डाल दिए बट माइनस करोगे तो उसको क्या पता चलेगा माइनस नहीं है तो माइनस वाला ऑपरेशन अभी तो यूज नहीं करते हैं और उसका मीनिंग हम अगर आपको यूज ही करना है तो उसका मीनिंग आप डिफाइन कर सकते हो कि माइनस ऑपरेशन के साथ क्या होना चाहिए ठीक है अभी के लिए प्लस प्लस का अंडरस्टैंड करो तो ये चीज हो गई ये रिप्लेस वाला फंक्शन हमने देखा था और उसके बाद अभी जो मैं बता रहा था कि एक करके एक फंक्शन होता है तो वो कैसे यूज होता है इसको मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे क्या प्रिंट होगा इस फंक्शन के साथ बताना तो सर नेम प्रिंट होगा प्रिंट गया? आकाश हाँ आकाश प्रिंट होगा ठीक है तो यहाँ पे जो अभी नेक्स्ट फंक्शन हम देख रहे हैं कैर एट ओके यहाँ पे इसको इंडेक्स देना है देखो इंडेक्स यहाँ पे उसका आ गया तो मैं देता हूं इसको रन करता हूं के आ गया ओके okay, तो हमने देखा था कि जो भी कैरेक्टर का था इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है तो ए जो है जीरो पोजिशन पे रहेगा के वन पे ए जो है वापस वाला दूसरा टू पोजीशन पे एस थ्री पोजीशन पे और एच फोर्थ पोजीशन पे रहता है यहाँ पे हमने कहीं पे देखा था देखो अरे वो वाला प्रोग्राम कहाँ गया अच्छा जावा स्ट्रिंग्स में हम्म hmm. यहाँ पे देखा था ये ये एरे में भी वैसे ही रहता है जीरो से स्टार्ट होता है ये जीरो पे ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ठीक है ये कैरेक्टर में अगर जो भी देंगे तो जीरो से कुछ भी जावा में जो होता है वो मोस्टली जीरो से स्टार्ट होता है तो कैरेक्टर में सिक्वेंस देखोगे तो ये फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है जीरो पोजिशन पे होता है फिर वन टू थ्री फोर मैं क्या बोलूंगा ए कैरेक्टर एट वन तो इस स्ट्रिंग में मेरा कैरेक्टर एट वन क्या है के इसलिए इसने के प्रिंट किया ओके okay. मतलब आपको ये ये जो फंक्शंस है ना जो रिप्लेस है लेंथ है ये आपको बाद में यूज होंगे जस्ट आप ये रखना कि इसको कैसे यूज कर सकते हो इसके अलग अलग प्रोग्राम्स देते हैं लोग कि आ, जैसे मैंने यहाँ पे एक यूज केस बताया मेरा पी यहाँ पे स्मॉल था मुझे फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल चाहिए था तो मैंने उसको कैपिटल कर दिया तो ये कैरेक्टर एड भी एक फंक्शन है ये भी बाद में यूज होगा आपके hmm. ये अभी ये इंडेक्स ऑफ फंक्शन है जैसे कैर एट फंक्शन ने आपको क्या दिया कि आ, वन नंबर पे क्या है वो दिया अगर आपको इसके पैरल एक फंक्शन है इंडेक्स ऑफ तो देखना पेस्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा इंडेक्स कंट्रोल स्पेस दबाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ओके इंडेक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ मैंने अगर मुझे चाहिए के का इंडेक्स क्या है चाहिए के मैंने यहाँ पे डाला ओके okay? तो ये क्या रिटर्न करेगा देखना इसमें वन रिटर्न करना चाहिए राइट right? ये यहाँ पे इसके एक्सेप्शन आ गए क्योंकि ये कुछ वैलिड कोड नहीं है मैंने जीरो वन टू थ्री डायरेक्टली लिख दिया था ठीक है यहाँ पे वन आ गया है अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ मुझे एच चाहिए एच एच कितने नंबर पे है अभी यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो आप चार नंबर पे हम्म तो चार आ गया मतलब ये दो फंक्शन एक दूसरे के पैरल है अगर आपको कोई कैरेक्टर ये पता है तो ये कितने फंक्शन पे ये? अभी देखो इसमें इसमें देता हूँ स्कूल में देखो कैसे आता है स्कूल डॉट इंडेक्स ऑफ स्कूल यहाँ पे आपको स्पेलिंग में कैपिटल स्मॉल थोड़ा चेक करना है क्योंकि कैपिटल डालोगे और वहां पे स्मॉल है तो नहीं देगा देखो यहाँ पे सेवेंथ नंबर पे आपको स्कूल बोला है उसने तो जो स्टार्टिंग होता है उसका वो वाला रहता है यहाँ से वगैरह स्टार्ट करोगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवेंथ नंबर पे आपका येस है स्कूल मतलब ये स्कूल जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका पूरा का पूरा तो ये सेवेंथ पे स्टार्ट हो रहा है तो आपका सेवन आ गया अगर ये मैंने आ, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया ये ये है ही नहीं मतलब इसमें तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देता है ठीक है इस इस वाले का ये इश्यू है अगर आप गलत दे देते हैं तो एक्सेप्शन दे देता है वो आप अभी देखो आपके पास वो है hmm. सॉरी इस, सॉरी इसकी वजह से आ रहा था एक्सेप्शन एक्सेप्शन देता तो है वो हम्म hmm. ये आता है जब यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं होता है तो उसका माइनस वन करके आ जाता है कि इनवैलिड है आपका स्ट्रिंग मैच नहीं हो रहा है और जब आपका स्ट्रिंग मैच हो जाता है और उसका नंबर आपको वो दे देता है यहाँ पे सेवन दे दिया उसने तो ये दो फंक्शन है और बहुत सारे फंक्शन स्ट्रिंग uh, के लिए यूज होते हैं कंपेयर टू और कंटेंस ठीक है ये भी है जैसे अभी कंटेंस फंक्शन कैसे यूज होता है देखो इसे हम स्कूल का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कैरेक्टर सीक्वेंस, बुलियन ठीक है पी, इसने ट्रू रिटर्न किया इसके लिए सॉरी <coughs> मतलब इस कूल वाले इसमें आपका स्कूल uh, है या नहीं मतलब इस uh, ये वाले कैरेक्टर के सीक्वेंस में यहाँ पे मैं कुछ गलत डाल देता हूँ सपोज मैं पब्लिक है तो इसमें पब्लिक में ये गलत डाल देता हूँ मैं, okay. मैं इसको रन करूंगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा कि इसमें आपका कुछ ये स्ट्रिंग है नहीं है करके पुणे डालूंगा तो वापस से वो ट्रू रिटर्न करेगा ओके okay. तो आपको ये इजीली समझ में आना चाहिए यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं जैसे हेलो सर पुणे में हम कैपिटल लिख दे तो वो ट्रू बोलेगा या फॉल्स फॉल्स बोलेगा ना अभी ये अभी देखते हैं रुको ठीक है इसने ट्रू बोल दिया इसको कैपिटल कर दो जावा जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे फॉल्स आ गई बट अभी देखना कि पब्लिक जो था पब्लिक पब्लिक हमने रिप्लेस करके यहाँ पे उसको कैपिटल किया है ओके अभी मैं अगर पब्लिक सर्च करता हूँ कैपिटल पी वाला स्मॉल पी वाला तो उसने फॉल्स देना चाहिए फॉल्स क्योंकि आपको यहाँ पे तो दिख रहा है पी स्मॉल है बट इस वाले फंक्शन में हमने क्या किया उसको कैपिटल से स्मॉल से कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया था पी डालूंगा कैपिटल वाला ट्रू आ गया ठीक है और फंक्शन देखते हैं कंपेयर टू करके भी फंक्शन है Hmm, अभी मैं जस्ट आपको स्मॉल स्मॉल मतलब एक एक ही चीजें बता रहा हूँ इसमें से इसमें एक्चुअली देखो अगर इंडेक्स में जाएंगे ना तो इंडेक्स के ही बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शन है मतलब वो अलग अलग काम छोटा छोटा डिफरेंस रहता है जैसे यहाँ पे जस्ट कैरेक्टर दे दिया है यहाँ पे दो कैरेक्टर और एक इंटीजर दिया है आपको अभी ये सिंपल वाला अंडरस्टैंड कर लो फिर आगे चल के इसके जो अलग अलग वेरिएंट रहते हैं तो ये सब हम बाद में देखेंगे नहीं तो आप भी अगर इसको बाद में अगर पढ़ लोगे तो भी आपको इसका ज्यादा आइडिया आ जाएगा तो कंपेयर टू स्ट्रिंग यहाँ पे इसका रिज़ल्ट दिया है अगर अगर छोटी है अगर अगर स्ट्रिंग छोटी छोटी मतलब आ, सब ये देख लेते हैं अगर इक्वल है तो इक्वल टू जीरो रिटर्न करेगा और ये देखते हैं बाकी का कि कैसे क्या रिटर्न करेगा दो स्ट्रिंग ले लेता हूं मैं इसको ये बोल देता हूँ इसको B बोलता हूँ इसमें ए है इसमें B है और और एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं समझ लो कि इसका सी नाम है यहाँ पे मैं सी दे देता हूँ सर ये देता हूँ उसमें क्योंकि हमें कंपेयर करना है एक्चुअली और मैं प्रिंट देता हूँ इसको नहीं। नहीं। compare to देखो यहाँ पे एक मेथड है compare to ignore case तो यहाँ पे जो ये 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 टाइप के अगर आपको मेथड जावा प्रोवाइड करता है इग्नोर केस वाले तो वो क्या करेगा केस सेंसिटिव नहीं रहेगा जैसे हमने पब्लिक में पी कैपिटल स्मॉल देखा था तो कुछ मेथड्स प्रोवाइड होती हैं जहाँ पे आपको आ, केस का इग्नोरेंस के लिए भी देते हैं और आगे चल के भी हम एक देखेंगे मेथड उसमें क्या होता है हर एक कैरेक्टर को हम अपर क्लास अपर केस में और लोअर uh, केस में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी यहाँ पे एक फंक्शन है लोअर केस अपर केस टू अपर केस टू लोअर केस वो भी देखते हैं ठीक है कंपेयर टू अभी मैं क्या करता हूँ स्कूल को कंपेयर नहीं कर रहे यहाँ पे यहाँ पे स्कूल को कंपेयर कर रहे थे यहाँ पे ए को कंपेयर कर रहा हूँ मैं सी के साथ ओके okay. अब ये क्या रिटर्न करता है देखो इसने जीरो रिटर्न किया क्यों क्योंकि ये दोनों सेम है बट मैं अगर बी के साथ कंपेयर करता हूं तो ये माइनस वन रिटर्न करेगा तो माइनस वन रिटर्न कब करेगा जब पहली वाली स्ट्रिंग दूसरे वाले से छोटी रहेगी ठीक है अब मैं उल्टा कर देता हूँ इसको बी को कंपेयर करता हूँ ई के साथ क्योंकि ए छोटा रहता है बी बड़ा रहता है राइट बी से आ, बाद आता है ना तो ऐसे रहता है इनका देखो मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो बी बी बड़ा है इसलिए इसने क्या किया इसको वन कर दिया अगर मैं छोटे के साथ स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे बड़ा आ जाता है तो यहाँ पे वन आ जाता है तो इ, इसका आप इतना टेंशन मत लो कि कंपेयर टू मेथड तो नॉर्मल यूज करते हैं कि दोनों सेम है या नहीं है मतलब अगर छोटा बड़ा स्ट्रिंग कंपैरिजन करना है तो फिर आपको ये माइनस वन प्लस वन का आगे चल के आप देख सकते हो आपको क्या करता हूं hmm. ये वाला आपको पता ही है इस पे है <coughs> आप ये बाकी के मेथड्स जो है आप खुद से ट्राई करके देखना जस्ट एक बार आप ट्राई कर पाते हो या नहीं एंड रिप्लेस ये अपर केस लोअर केस तो भी लिस्ट ये नीचे का छोड़ दो ये वाले मेथड्स ओके okay. और एक बार ये सेम कोड आप आ, स्टार्ट से एक वन बाय वन लिख के स्टार्ट करना यहाँ से इतना लिखो फिर रन करो फिर नीचे वाला लिखो फिर उसको रन करो यहाँ पे अलग अलग आप इनपुट दे सकते हो ठीक है जो हमने अभी जैसे जैसे ट्राई किया वन बाय वन वैसे आप ट्राई करके इसको जस्ट रन करो एक दो बार आप रन करोगे तो आपको आइडिया आती चले जाएगी कि ये कैसे रन होता है और आपको इसमें एरर्स आएंगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हो एरेंगे कुछ भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है तो आपको एरर आ जाएगी तो आप वो एरर आप ग्रुप पे डाल सकते हो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या इश्यू है ठीक है आज के लिए मतलब इतना ही है देखते हैं इलेवन बजे हमारा ऑफिस का कॉल होता है एक्चुअली आपको कोई डाउट है इसमें मतलब दो तीन मिनट है तो हम कवर कर लेंगे नो no, सर